नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है कटिहार से, आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा एक मैसेज दे दें जो अक्सर हम देते हैं आपको। अभी फिलहाल कोरोना का संक्रमण तेजी से बिहार के अंदर फैल रहा है, इसलिए सावधानी जरूरी है। मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है और हाथों को साफ रखना है, बार बार धोना है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कटिहार की बात कर रहे थे, कटिहार में क्या कुछ हुआ है। पुलिस भी चौंक गई है और पूरा खेल आपको दिखाते हैं कि क्या कटिहार में चल रहा था। हालांकि कोरोना संक्रमण के बीच तमाम तरह की पाबंदियां लग रखी हैं बिहार में, लेकिन यहां पर तो कुछ और ही खेल चल रहा था। तो कटिहार में एक रेस्टोरेंट के अंदर कुछ और खेल हो रहा था। उस खेल को हम आप दिखा रहे हैं, खेल का खुलासा कर रहे हैं कि क्या कुछ था। पुलिस जब एक ऐसे रेस्टोरेंट में छापा मारा और अंदर घुसी तो वहां पर कस्टमर्स भी थे, लेकिन वो खाने पीने की बजाय किसी और काम में मशगूल थे। उनकी करनी ऐसी थी कि देखकर पुलिस वालों की भी आंखें शर्म से झुक गईं। तो रेस्टोरेंट के अंदर क्या कुछ हो रहा था आप कुछ समझ गए होंगे। दरअसल रेस्टोरेंट के अंदर प्रेमी जोड़े मौजूद थे। पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो वहां पर प्रेमी जोड़े आपत्तिजनक अवस्था में मिले रेस्टोरेंट के अंदर। तो आपको बताएं कि पुलिस ने जब इस रेस्टोरेंट में छापा मारा, उसके बाद अब कानो कान पूरे शहर में इसकी चर्चा हो रही है। आपको बताएं, कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट की आड़ में ये धंधा जो है बिहार के कटिहार में चल रहा था, जहां कई दिनों से रंगीन महफिल सज रही थी। स्थानीय लोगों के विरोध और पुलिस को दी गई सूचना के बाद कटिहार नगर थाना पुलिस ने रेड किया और 4 लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान चौक गामी टोला के इस रेस्टोरेंट सा कैफेटेरिया में दो लड़कों के साथ स्थानीय लोगों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। जी हाँ, तो ये आपको बता रहे हैं, ये बीच शहर में रेस्टोरेंट के अंदर ये धंधा चल रहा था, जिसे देखकर पुलिस ने भी शर्म से आंखें झुका लिया। हम आपको बताएं कि इसकी जो सूचना है स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, और एक संगठन से जुड़े जो व्यक्ति हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर अक्सर इस तरह की रंगीन महफिल सजा करती है। पुलिस को जब यह सूचना मिली, पुलिस ने छापेमारी की और अब पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। रेस्टोरेंट का संचालक भी पुलिस के हिरासत में है। सूचना मिली कि यहाँ पर कैफेटेरिया नाम का एक जो पहले रेस्टोरेंट के रूप में संचालित था, वहाँ पे कुछ केबिन में कुछ लड़के लड़कियाँ हैं। उसी का सीनियर अफसर को जब सूचना मिली तो उसी का वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आए, तो यहाँ पर 2 लड़के पकड़े मिले और 2 लड़कियाँ भी मिली हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए जो दोनों आरोपी युवक हैं, उसमें एक राहुल ने बताया कि प्रति घंटा 300 रुपया लेकर उन लोगों को अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठने की जगह उपलब्ध कराई जाती है यहाँ पर। यानी जो रेस्टोरेंट के अंदर 300 रुपये लिए जाते थे और प्रेमी प्रेमिका आराम से यहाँ पर 1 घंटे व्यतीत करते थे, और उसके बाद उसकी आड़ में बहुत सारे यहाँ पर गंदे धंधे चलाए जा रहे थे। तो खैर, पुलिस ने गिरफ्तारी की है, छापेमारी की है और 2 लड़का कैफेटेरिया मैनेजर और उसके स्टाफ को हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है, जबकि दोनों लड़कियों से भी पूछताछ की जा रही है। तो जो ये कहा जा रहा है कि 6 रैकेट से भी ये जुड़ा मामला हो सकता है। हालांकि पुलिस फिलहाल इस मामले में अभी कुछ नहीं बता रही है कि 6 रैकेट से भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन बीच शहर में रेस्टोरेंट के अंदर महज 300 रुपये देकर ये गंदा धंधा बदस्तूर जारी था। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।